मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुल्लू जिला के दौरे पर। मुख्यमंत्री ने कुल्लू और बंजार विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रगतिशील हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह में भी की शिरकत। धर्मशाला में 18 सितंबर से शुरू होगा पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के पर्यटन मंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री जे किशन रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयारियां की शुरू। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला के कोमली बैंक से सीटीओ तक के लिए एचआरटीसी टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। टैक्सी चलने से क्षेत्र के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, मरीज, दिव्यांग लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों को शिमला शहर तक आने जाने की मिलेगी सुविधा। सिरमौर जिला में नए वन्य प्राणियों के आने से गुलजार होगा श्री रेणुका जी वन्य प्राणी विहार। विभाग ने शुरू की एनक्लोजर बनाने की तैयारी। श्री रेणुका जी वन्य प्राणी विहार में जल्द आएंगे बाघ, स्पॉटेड डियर और हॉक डियर। सोलन में यूको आर सिटी में बेरोजगार युवाओं को फास्ट फूड बनाने का दिया जा रहा निःशुल्क प्रशिक्षण। करीब 50 युवा इस प्रशिक्षण शिविर में ले रहे भाग। आगामी दिनों में युवाओं को अचार, पापड़ बनाने सहित मोमबत्ती बनाने का भी दिया जाएगा प्रशिक्षण। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में चलाया गया पौधरोपण तथा सफाई अभियान। अभियान में NSS, रेडक्रॉस, वॉलंटियर्स, क्षेत्रीय अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों सहित आयुष विभाग से डॉक्टर और नगर परिषद के कुल 135 लोगों ने लिया भाग। नाहन के चौगान मैदान में जोन स्तरीय प्राथमिक स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में 5 सेंटरों के करीब 140 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी। बीते 24 घंटों के दौरान पच्छाद में सर्वाधिक 170 मिलीमीटर वर्षा की गई दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिनों तक राज्य में व्यापक वर्षा की संभावना।